मुख्यमंत्री कमलनाथ के शराब पर दिए गए बयान ने बीजेपी को बैठे बैठे मुद्दा दे दिया है। जबलपुर में बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध किया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका। भाजपा नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अहाते बंद करके अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ प्रदेश की जनता को शराबी कह रही है। भाजपा इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के तहत बीजेपी नेताओं ने जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जबलपुर जिले में अध्यक्ष प्रभात साहू जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी का पुतला दहन किया गया। कमलनाथ जी महिला विरोधी तो थे ही, कांग्रेस महिला विरोधी है, इसका इन्होंने आज जवाब दे दिया, बता दिया कि कांग्रेस किस तरह महिलाओं का विरोध कर रही है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अहाते बंद कर रहे हैं बहनों के लिए कि हमारी बहनें सुरक्षित रहें, सड़क पर सुरक्षित निकल से लगे, तो आज कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शराब मध्य प्रदेश में सस्ती हो गई है और राशन महंगा हो गया है, जबकि राशन भरपूर गरीबी रेखा के कार्ड वालों को मिल रहा है। माननीय कमलनाथ जी का हम लोग भरपूर विरोध करते हैं इस महिला विरोधी काम के लिए, और उन्होंने आज प्रदेश को शराबी प्रदेश तक कह डाला कि शराब से यहाँ पे शराब ज़्यादा है और अनाज कम है। इसका हम महिला मोर्चे की बहनें और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करता है, और कमलनाथ जी का आज हम लोगों ने पुतला दहन करके एक सांकेतिक उनको बताया है कि अगर कमलनाथ इस तरह की टिप्पणी करते रहेंगे तो और भी आगे विरोध होगा। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया है, आज जबकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के अंदर दारू के अहातों को बंद करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की जो आधी जनसंख्या है, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने मदिरा प्रदेश कहकर पूरे प्रदेश की जनता का अपमान किया। मैं ऐसे निकम्मे और निकृष्ट पूर्व मुख्यमंत्री को कि जितनी निंदा की जाए उनकी घोर निंदा करता हूँ, और अपील करता हूँ कि जितनी जल्द हो सके प्रदेश की जनता से वो माफ़ी मांगे, यही उनके लिए भलाई है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कैबिनेट में निर्णय किया कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने आहाते चल रहे हैं उन आहातों को बंद किया जाए। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगा कि बड़ा संवेदनशील मामला है, जगह जगह आहाते खुले हुए थे, हमारी माताओं बहनों को निकलना मुश्किल होता था, बेटियों को निकलना मुश्किल होता था, परिवार के साथ निकलते तो कई बार बड़ी घटनाएँ हो जाती थी, आपस में विवाद की स्थितियाँ बनती थी, एक वातावरण समाज के अंदर दूषित हो रहा था। और इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि हम पूरे आहाता जितने हैं वो सारे के सारे आहाता बंद करेंगे। उसका निर्णय पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों ने किया, वरिष्ठों ने किया, महिलाओं ने किया, नौजवानों ने किया, बेटियों ने किया। आज कमलनाथ जी का ये वर्जन कि ये प्रदेश मदिरा प्रदेश है, एक प्रकार से आप इस मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का अपमान कर रहे हैं, उनको मदिरा से आप संबोधित कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं, ये आपका आचरण है क्या? ये एक प्रकार से अपमान नहीं है महिलाओं का, ये एक प्रकार से उन बुजुर्गों का अपमान नहीं है कि जिनको आप क्या कह रहे हो कि मदिरा प्रदेश है, मतलब मदिरा प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सिर्फ मद्यपान करता है, ये उनकी सोच का दिवालियापन है। और इसलिए आज हमने प्रतीकात्मक रूप से उनका पुतला जलाया और उनको ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि समाज के अंदर विसंगतियाँ पैदा नहीं करें, विषमताएँ पैदा नहीं करें, वातावरण समाज का गंदा नहीं करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, उनका साथ दें, विकास में साथ दें, आने वाले समय में जनता इसका आपको नहीं। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।